हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने है यमहा की शानदार बाइक FG और ये इसका वर्जन 3.0 है। तो आज के वीडियो में हम इस गाड़ी से जुड़ी सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि इसकी क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी से हमें कितना माइलेज मिल जाता है। तो आप बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप के कंटेंट अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ तो आपसे मिस ना हो। तो इस गाड़ी की अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, मस्कुलर लगता है। अगर आपके बगल से ये गाड़ी निकल जाए ना तो आप मुड़ के ज़रूर देखते हैं, और ये ब्लैक कलर में तो गजब का ही कहर ढाती है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं कि हमें जैसे अगर आप गाड़ी देखते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको फ्रंट व्यू में ही दिखती हैं कि जैसे इसकी LED कैसे रहती है, पूरा हेडलैम्प यूनिट। तो जैसे इसका आप फ्रंट व्यू देखेंगे ना तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके हेडलैम्प पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो बल्ब मिलते हैं, पूरा LED का सेटअप है। ऊपर आपको हाई बीम के लिए और नीचे आपको लो बीम के लिए दिया गया है। एक बार मैं इसको ऑन करके भी दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको नंबर प्लेट और नीचे आपको यमहा की बैजिंग मिल जाती है। और इसका थोड़ा बहुत गजब का है, जैसे आप ये देखिए, मैंने ऑन करके दिखाया आपको, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है और इसका थ्रो भी बहुत शानदार। और नीचे देखेंगे तो आपको लिप में एक पायलट लैंप भी मिल जाता है, वो बल्ब में ही दिया गया है, येलो बल्ब में। उसके बाद आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो यमहा की बैजिंग भी है, जो देखने में अच्छी लगती है। पूरा ही टायर प्रोफाइल देखेंगे तो आपको बड़े साइज का टायर दिया गया है। अब एक बार मैं इसके डिस्क ब्रेक की बात कर लेता हूँ। आगे और पीछे दोनों ही जगह डिस्क ब्रेक दिया गया है, 282 mm का इसमें आपको डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है। और इसकी ब्रेकिंग बहुत गजब की है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको पूरा ही प्लास्टिक का पूरा मडगार्ड यूज किया गया है, और उसमें जो आपको साइड में जो छोटे छोटे वो दिए गए हैं ना, गजब के लगते हैं। यहाँ पे आपको 17 इंच का टायर दिया गया है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग 100 mm की है। और पीछे वाला आप देखेंगे तो और भी चौड़ा टायर है, जिसकी वजह से रोड में आपको ग्रिप अच्छी मिलती है। ABF की आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है, यानी आपको अच्छी खासी बैजिंग मिलती है, सेफ्टी मिलती है। तो ये तो हो गया एक गाड़ी के पूरे फ्रंट व्यू का माहौल। साइड में देखेंगे तो आपको इंडिकेटर भी दिए गए हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉर्मल इंडिकेटर है, बल्ब के साथ दिए गए हैं, लेकिन ये जलते अच्छे हैं, लाइटिंग इनकी अच्छी है। उसके बाद अगर आप इसकी टंकी देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मस्कुलर बनाने के लिए थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है। अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे पे ट्राई एरो शेप टाइप के डिज़ाइन हैं, जो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और साइड में ही आपको FZ की बैजिंग मिल जाती है, और नीचे आपको वर्जन 3.0 की। उसके बाद आप पूरा इंजन हुड देखेंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन बनाया गया है, 149 cc का इंजन मिलता है। उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कवर किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्रे, मैट ग्रे में पूरा डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो देखने में ओवरऑल बहुत प्यारा लगता है। ये गाड़ी हमेशा भी शानदार थी, जब से लॉन्च हुई है ना तो इस गाड़ी के जलवे उतने ही हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन कवर मिल जाता है, और नीचे आपको यहाँ पे इंजन कवर दिया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद आप पूरा इंजन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको ये हवा से ही ठंडा हो जाता है। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग मिल जाती है, और ये आपको फुटरेस्ट मिल जाता है ये ड्राइवर के लिए। और पीछे भी देखेंगे तो आपको फुटरेस्ट दिया गया है, ये एडजस्टेबल है। बीच में भी देखेंगे तो आपको पूरा ही प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। साइड में देखेंगे तो डार्क ग्रे है, बीच में आपको लाइट ग्रे मिल जाता है, और पूरा मैट फिनिश में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टैंक में मिल जाता है पूरा FG का बैजिंग। ये तो हो गया इस गाड़ी के फ्रंट और साइड का माहौल। अब एक बार हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं। जैसे आप इस गाड़ी का साइलेंसर देखेंगे तो बड़े साइज का दिया गया है, पूरा ही फाइबर का है, प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और यहीं पे आपको पीछे वाले पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑयल फिल्टर दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, जो अच्छा खासा है। ऊबड़ खाबड़ और ख़राब सड़कों को बहुत आसानी से पार कर लेता है। पीछे वाला टायर तो इतना गजब का लगता है ना, जैसे आप पीछे भी देखेंगे तो आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया गया है, 220 mm का इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, जो देखने में अच्छा लगता है। और इसकी ब्रेकिंग में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। पीछे वाले अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको 17 इंच का सेम टायर मिलता है, लेकिन इसकी चौड़ाई आपको 140 mm की मिलती है। आगे वाले में 100 mm की है, पीछे 140 mm की है, जिसकी वजह से रोड में ग्रिपिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो ट्यूबलेस टायर का यूज़ किया गया है, और इसका एलॉय व्हील भी देखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है। और इस गाड़ी की अगर मैं वजन की बात करता हूँ तो 138 किलो की है। उसके बाद आप पीछे देखेंगे तो टायर हगर का यूज़ किया गया है, अच्छी प्लास्टिक है, जो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा मस्कुलर लुक बन जाता है इससे गाड़ी का। उसके बाद आप पूरा रियर का एक लुक देखेंगे तो आपकी नज़र जाएगी इसके टेल लैंप पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ही हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है, इंडिकेटर में भी और टेल लैंप में भी। नीचे देखेंगे तो आपको पूरा रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। और अगर आप इसके स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट में जाते हैं ना FG के, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें LED में दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, और सीट इसकी बहुत अच्छी है, सीट में कोई फक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, 2 लोगों के लिए है, लेकिन 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।
उसके बाद अगर आप इधर फाइट देखेंगे तो इधर फाइट भी सेम ही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको अलग दिखेंगी। जैसे यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड और पूरा ही आपको प्लास्टिक में दिया गया, ऊपर आपको मेटल है, नीचे प्लास्टिक में दिया गया है। ये आपको चैन कवर मिल जाता है और यहीं पे पीछे वाले पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट भी दिया गया। इसमें ऊपर प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है लेकिन थोड़ा सा खुरदुरे टाइप का है जो अच्छा लगता है। और यहीं पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। और इस गाड़ी में आप देखेंगे तो दोनों स्टैंड मिल जाते हैं, ये साइड वाला स्टैंड आपको मिल जाता है सेंसर के साथ, उसके बाद आपको देखेंगे तो मेन वाला भी मिल जाता है। उसके बाद आप थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा इंजन वाला ही लुक मिलेगा, पूरा इंजन ही दिया गया है। लेकिन इसमें जो आपको टैंक के ऊपर ये जो थोड़ा सा डिज़ाइन मिलती है ना, बहुत गजब की लगती है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं या बैठते हैं ना तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके टैंक में। और दोनों साइड आप देखेंगे तो मफलर बनाने के लिए दोनों साइड स्कूप दिए गए हैं जो देखने में गजब के लगते हैं। और बीचों बीच आपको ये मैट ब्लैक फिनिश में पट्टी मिल जाती है और ब्लू कोर की यहाँ पर आपको स्टिकर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर पेट्रोल टैंक के लिए कैप दिया गया है, इसमें आप 13 लीटर का पेट्रोल आ जाता है। इसकी अगर माइलेज की बात करते हैं तो लगभग 45 से 50 केएमपीएल का माइलेज भी दे देती है। और आगे ही देखेंगे तो यहाँ पे की इनफर्ट करने के लिए दिया गया है। इसकी नॉर्मल की है, की में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि रिमोट की आपको मिल रही है, नॉर्मल की ही है। अब एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मिल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है, ज़रूरत की सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप इधर देखेंगे तो न्यूट्रल के लिए है, ABS की बैटिंग मिल जाती है, यहाँ आपका स्पीडोमीटर, टाइकोमीटर, पेट्रोल के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है, और ऊपर ही आपको बैटिंग मिल जाती है। तो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है। उसके बाद आप एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब एक बार हम इस गाड़ी के हैंडल बार की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लो बीम और हाई बीम के लिए, और यहीं पे आपको पास के लिए दी गई है। नीचे देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, इसको आप लेफ्ट राइट प्रेस करेंगे तो दोनों साइड के इंडिकेटर ऑन होते हैं। और नीचे आपको हॉर्न का दिया गया, और इस गाड़ी का हॉर्न बहुत लाउड है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजन स्विच दिया गया है रेड कलर में, और नीचे आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट करने के लिए दिया गया है पुश बटन। एक बार हम इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 1,22,000 रुपये। और आज मैं हूँ सुबेगा यहाँ MP नगर भोपाल में, तो यहाँ पर यह गाड़ी आपको लगभग 1,40,000 रुपये की मिल जाती है। तो अगर आप भी कोई टू व्हीलर गाड़ी परचेज करना चाहते हैं यहाँ की, तो आप सुबेगा यहाँ विजिट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। अब एक बार मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसका एक जॉब सुना देता हूँ आपको कि इसमें किस टाइप की आपको आवाज़ मिलती है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन की स्विच बटन दी गई है, नीचे से ही आपको ये स्टार्ट होता है। तो एक बार आप इसका पूरा जॉब सुनिए, आवाज़ इसकी बहुत शानदार है, इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी।